राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक पर जय भोले ग्रुप सेवा समिति के द्वारा विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति स्थापना किया गया है। इस मूर्ति को देखकर आप दंग रह जाएंगे। पूरी सृष्टि के मालिक भगवान भोलेनाथ के जटाओं में नवग्रहों और साधु संतों के अलावा देश के महान वैज्ञानिकों को दर्शाया गया है। मूर्ति को पेंट ऐसा किया गया है मानो सच में भगवान भोलेनाथ के जटा के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि इन दिनों कई मूर्ति को लेकर एक क्रेज बढ़ा है और कई जगह अलग अलग भव्य रूप से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। जय भोले ग्रुप गणेश उत्सव समिति के मीडिया प्रभारी रोशन सागर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जय भोले सेवा समिति कालीबाड़ी चौक रायपुर के द्वारा भगवान गणेश जी की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यह मूर्ति राजधानी रायपुर से लगे माना में कृष्ण कला केंद्र के मूर्तिकार सदानंद राणा ने तैयार किया है। इस मूर्ति की लंबाई 17 फीट और चौड़ाई 24 फीट है। इस मूर्ति की विशेषता है कि देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के जटाओं में पूरी सृष्टि समाई हुई है। चंद्र, सूर्य और सभी नवग्रह हैं, वैज्ञानिकों और साधु संतों को भी दर्शाया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, काफी भव्यता के साथ में इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। और इस मूर्ति की खास बात यही है कि लोग इसको देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ के अलावा इन दिनों गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, तो गणेश जी की भी पूजा अर्चना लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जय भोले ग्रुप गणेश उत्सव समिति के मीडिया प्रभारी रोशन सागर क्या कुछ कहते हैं, ये आपको सुनवाते हैं। तैयार कराई गई है इसकी सबसे पहले बता दीजिए, मूर्ति माना में कृष्ण कला श्री सदानंद राणा जी के द्वारा तैयार की हुई प्रतिमा है, और इस प्रतिमा का लंबाई 17 फीट और चौड़ाई इनका 24 फीट है। किस रूप में यहाँ गणपति जी स्थापित हुए हैं? यह आप देख रहे हो महादेव के जटा में संपूर्ण सृष्टि को दर्शाया हुआ है, जिसमें सूर्य चंद्र और भी नवग्रह दिख रहे हैं, कुछ वैज्ञानिकों की भी तस्वीर उसमें दिख रही है, और साधु संत महात्मा सभी प्रकार की इसमें मतलब हर प्रकार के थीम तैयार करके बनाए गए हैं। भैया